हे गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मॉडल का ये है ना, सैमसंग का मॉडल है। ये जो मॉडल का मॉनिटर आप देख रही है, ये सैमसंग का सिंक मास्टर S19B150। तो गाइस, इसमें ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये चालू होके बंद हो रहा है बराबर। और आप यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लाइट आ रहा है पर वो तुरंत चला जा रहा है ना। तो गाइस, ये क्या क्या हो सकता है प्रॉब्लम, तो मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक साथ में रहिए। और सबसे पहले इसका जो पावर कनेक्टर है इसे खोलूंगा, और खोलने के बाद इसे मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से ऊपर से। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ये मैं खोल रहा हूँ अभी, टाइम दीजिए मेरे को, इसे मैं आपके सामने सर्विस करके दिखाऊंगा। और कोई दूसरा कुछ प्रॉब्लम आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो गाइस, इसे ऐसे खोलेंगे हम, ऐसे बहुत ही दिक्कत हो सकता है आपको। और आप एक माइनस वाला स्क्रूड्राइवर ले सकते हैं ऐसा बराबर, तो इसमें आपका काम हो जाएगा। और इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, है ना ये। और इस साइड में भी आपको ऐसे खोलना होगा बराबर, और ऐसे खोलने के बाद ये बैक कवर मैं निकाल दिया। और आप पास से देखिए, अब मैं पास से दिखा रहा हूँ और आपको चेक भी करवाऊंगा कि किस में क्या है बराबर। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये जो बोर्ड है इसमें दो VGA का इनपुट है, एक है VGA केबल डायरेक्टली और ये एक दूसरा टाइप का कनेक्टर है, ठीक है, वो DVI कनेक्टर कहते हैं इसे बराबर। और ये है इसका CPU बराबर, दिखने में आपको दिक्कत हो रहा है। और ये देखिए, पहला वाला जो पिन है ये है इसका, ये लाइट कंट्रोलर बराबर। और ये जो दूसरा वाला पिन आप देख रही है बराबर, तो ये वाला जो पिन आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्रंट पैनल का, मतलब ये पावर स्विच वगैरह जो है कंट्रोलर्स वगैरह, तो उसका है पिन। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा कैपेसिटर है, और ये देखिए एक बड़ा सा कॉइल है, और ये देखिए एक मॉस्फेट है, और यहाँ पे छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसे, AMLC कैपेसिटर है और ट्रांजिस्टर भी है, और यहीं पे कंट्रोलर वगैरह है, बायस वगैरह है, और यहीं पे एक और एक कॉइल है, और यहाँ पे एक और एक कैपेसिटर है। तो सबसे पहले जो करेंगे हम लोग, मल्टीमीटर जो है उसे बाजा के ऑप्शन में रखेंगे, और आपको बराबर दिखाई देगा यहीं से, पर मैं इसे निकाल लेता हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा दिखाने में बराबर। तो ये लग को खोलने के बाद जैसे खोल रहे हो ऐसे खोलिएगा, और यहाँ पे देखिए इसे उठाने के बाद ये बोर्ड आपके यहाँ बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या है यार, और क्या करना होगा आपको बराबर। और अब दिखाई दे रहे, तो ये देखिए मल्टीमीटर इसके पास में ले लिया मैं, और अभी इसे चेक करूंगा। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर रख रहा हूँ, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसमें बराबर ओम्स आ रहा है,
और अब यहाँ पे छोटा छोटा दो कैपेसिटर जो है इसे भी चेक करेंगे हम, तो यहीं पे रखेंगे। और ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है इसे भी एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें कोई बीप साउंड नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए SMD टाइप का बहुत कैपेसिटर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा मेरे, ये देखिए यहाँ पे जो MLC कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ना, तो उसे एक बार चेक करेंगे। और ये यहाँ पे जो दो ही ये कॉइल है, तो गाइस यहाँ पे कैपेसिटर सब लगभग ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, पर किसी एक में तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये कॉइल है, तो ये जो पहला वाला कैपेसिटर है ना इसे हम लोग निकाल के देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, पर हो सकता है वहीं पे ही गड़बड़ है ना, बराबर। तो और ये ब्लर अभी चल रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा गर्म होने के लिए मैं छोड़ा हूं उसे, अगर थोड़ा सा गर्म नहीं किया तो ये काम नहीं करेगा अच्छे से। तो गाइज ये काफी गर्म हो चुका है अभी, और मेरे को अभी एक ट्वीज़र चाहिए जो कि मेरे को अभी नहीं मिल रहा है। किधर गया ट्वीज़र, ये मिला है एक ट्वीज़र, और अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो है कैपेसिटर उसे निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए मैं इसे निकाल दिया और इन पे आपके सामने रख रहा हूँ। और अब दोबारा चेक करेंगे, बहुत गर्म हो चुका है तो यहीं पे सावधानी से हाथ लगाइए। और अब
अब देख सकते हैं दो इमेज के पास मैं निकाल दिया। तो मैं जो फ्रेंड्स को बोलता हूँ, जो लोग मेरे को फोन करके हेल्प मांगता है, तो वो लोग समझते हैं कि एमएलसी कैपेसिटर क्या है। तो देखिए आप लोग, ये है एमएलसी कैपेसिटर, ठीक है। जैसे कि प्राणा जोशी मेरा खास फ्रेंड्स है जो कि गुजरात में रहता है, उसे भी नहीं पता अच्छे से कि अरे यार कौन सा वाला है। तो आप देख लीजिए एक बार, और ये देखिए एमएलसी कैपेसिटर। तो इसमें अगर एक एक लाइन से दूसरी लाइन तक ये अगर शॉर्ट दिखाई दिया तो ये बिल्कुल खराब है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नंबर नहीं आने चाहिए, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ अभी, ये सही है, पर एक में बीप साउंड आ रहा है। तो गाइस इसे तो जब यहाँ पे बोर्ड में टेस्ट कर रहा था तब वो सुनाई नहीं दे रहा था, है ना, मतलब कि वो कनेक्टेड नहीं हो रहा था, तो इसके लिए सुनाई नहीं दे रहा था। तो बाहर निकाल के जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो वो बीप साउंड सुनाई दे रहा है। ये अंदर घुस गए थे एयर की वजह से, तो इसे दोबारा लगाऊंगा यहाँ पे। अरे यार ये लगाया, सॉरी गाइस, अब मैं दूसरा लगाऊंगा। ये लैपटॉप का एक बोर्ड है तो इसमें से एक निकाल के वहीं पे लगाऊंगा, ये सेम साइज का है तो इसे वहीं पे लगाऊंगा। तो इसे भी एक बार चेक करेंगे कि इसमें बीप साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नहीं, कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है। चलिए इसे लगा के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, है ना, बराबर। इसे लगाने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये ऊपर में कैमरा है इसलिए। तो गाइस ये शायद आपको दिखाई नहीं दे सकता है, ये लगाया बहुत ही दिक्कत से क्योंकि एकदम पास में कैमरा मैं रखा हूँ, मतलब मोबाइल को रखा हूँ, और अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है मेरे को सोल्डरिंग करने में या फिर ब्लोअर चलाने में। तो मैं आयरन से कर लेता हूँ बराबर। और एक बात, यहाँ पे जो कैपेसिटर वगैरह दिखाई दे रहा है ना, ये तीन चार दो पिन का है, एक एक का, और तीन चार कैपेसिटर जो है इसे एक बार ड्राई सोल्डरिंग करेंगे बराबर।
और यहाँ पे भी और एक था तो इसे भी कर लेंगे। और अच्छे से हो चुका है, और अब बारी है इसे दोबारा लगाऊंगा। पे लगाने के लिए सबसे पहले इसको सेट करना होगा और फिर इसे ऐसे लगाएंगे जैसा था। और ये देखिए इसका डिस्प्ले केबल जिसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और अब आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अब देखिए इसका जो फिन है एडाप्टर का, तो इसे भी लगाऊंगा। और लगाने के बाद अब देख पाओगे यहाँ पे पावर मैं देना भूल ही गया, तो इसे ऑन कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन स्टे कर चुका है, बराबर लाइन स्टे कर चुका है। तो ये नो सिग्नल दिखाई दे रहा है आपको बराबर। तो मैं आपको वीजीए का जो केबल है उसे एक बार लगा के दिखाता हूँ। और वीजीए का जो केबल है वो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। ये मैं वीजीए केबल कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है। तो गाइस एक बार कैमरा को मेरे को हाथ में लेना होगा तो आप देख पाओगे कि इसमें अभी डिस्प्ले आया कि नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी डिस्प्ले आया है, बराबर दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए मतलब इसका जो डिस्प्ले है वो अभी स्टे कर चुका है ना। ये देखिए किसी ने मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स किया है, नाइस ट्राई अनदर मदरबोर्ड। मतलब एक मदरबोर्ड में रिपेयर किए थे तो वो नहीं हुए थे, एएमडी का था, जिगावाइट का एएमडी, तो उसमें दिक्कत हो गई थी। तो ये देखिए ये चल रहा है बिल्कुल, अभी एक बार भी बंद नहीं हुआ है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में पॉजिटिव भी कमेंट्स आए। अगर नेगेटिव कमेंट्स आता है ना तो मेरा दिल नहीं करता है कि वीडियो बनाऊँ। वीडियो बनाने में मेरा टाइम बहुत वेस्टेज होता है, ठीक है, और मैं सिखाने के बाद मेरे को क्या मिलता है, ठेंगा। तो गाइज नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो क्या होगा मेरे को पता नहीं, पर मेरे हिसाब से लगता है कभी कभी कि यार वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को दिल में बहुत दर्द होता है जब कुछ किसी ने गलत कमेंट्स कर देता है। मैं जो काम करता हूँ आपके सामने करता हूँ और रॉ वीडियो डाल रहा हूँ अभी 4K में, तो तब भी आपको चैन नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को सच में कुछ सिखा पा रहा हूँ तो ज़रूर कॉमेंट्स में लिखिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे से कॉन्टैक्ट में रहिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और मेरा अगर दिल खराब हो गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा यार।